है इसमें थोड़ी सी ऐसे 2 साल हो गए लेकिन अब तक मुझे इतना कुछ नहीं मिला इस चैनल। ज्यादा भारी भरकम इंग्लिश है यहाँ पे एक दो वर्ड की, तो वो तुम खुद पढ़ लेना। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। सो सबसे पहले तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीबडी हु आर वॉचिंग मी, बिकॉज वी आर कम्प्लीटेड आर 4K सब्सक्राइबर्स। 4,000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो गए हैं रिसेंटली एंड आई एम सो हैप्पी। आई नो देखा जाए तो बहुत कम ही है लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा ही है। और अभी लग रहा है कि 4,000 हो गए हैं तो शायद, मतलब आई मीन रेस थोड़ी सी चली पड़े रेस में, तो चलो ठीक है हो ही जाएंगे। अभी तो जो सपने सपने लग रहे थे वो सपने पूरे हो ही जाएंगे। अब तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहना। ओके, सो आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम को लैक्मे की 9 to 5 सीसी क्रीम से। कंपेयर नहीं करेंगे, मतलब लाइक यू नो टीनेजर्स अभी लाइक जो लोग स्कूल कंप्लीट करने के बाद में कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो जो लोग अपना स्कूल कंप्लीट करके अभी कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो अभी लाइक कॉलेज है एंड इट्स 2024, तो लड़कियों को थोड़ा सा लाइक गेट रेडी विद मी करना बहुत अच्छा लगता है। डेली थोड़ा सा लाइक ठीक है टचअप करके चले भी जाएंगे, तो यार यू नो ये बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कॉलेज में जा रहे हैं, नया नया कॉलेज है, थोड़ा सा जुनून चढ़ता है। तो हम कंपेयर करने वाले हैं लैक्मे की बीबी सॉरी सीसी क्रीम एंड बीबी क्रीम। नाम सुना होगा आप लोगों ने। टीनेजर्स हो, शिफ्ट हो रहे हो कॉलेज में, तो लाइक थोड़ा सा मेकअप करने का, थोड़ा टचअप करने का, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखने का मन करता है। तो उसके लिए मैं इन दोनों को आज यू नो कंपेयर नहीं करेंगे, थोड़ा सा टेक्सचर चेक कर लेते हैं कि लाइक कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी अगर हम डेली बेसिस पे मेकअप करके या टचअप करके जाएंगे। तो लाइक सीसी क्रीम ज़्यादा सही रहेगी या फिर हमारी बीबी क्रीम ज़्यादा सही रहेगी, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। First of all, don't forget to subscribe my channel. तो सबसे पहले तो मैं ट्राई करूंगी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें सिर्फ दो ही शेड्स आते हैं, आई थिंक हाँ इसमें दो ही शेड आते हैं। इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज मैं बोलूंगी ये है कि इसमें दो शेड आते हैं, एक तो है आइवरी एंड दूसरा है नेचुरल। ये वाले दो शेड आते हैं इसके अंदर, आई होप सो दिख रहे होंगे, ये वाले दो शेड आते हैं। सो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है डिसएडवांटेज इस क्रीम का, बिकॉज डस्की स्किन के लिए शायद मे बी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो बेसिकली इसके अंदर इतना सब कुछ लिखा हुआ है, एज यू कैन सी दैट, कि ये एक SPF 30 PA++ है, वाइटामिन इन इन शाबाश, स्पॉट कवरेज प्लस लाइट मेकअप ग्लो लाइट वेट फाउंडेशन ऑल, इतना सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ज्यादा भारी भरकम इंग्लिश है यहाँ पे एक दो वर्ड की, तो वो तुम खुद पढ़ लेना। तो इसमें इतना सब कुछ लिखा हुआ है एंड मैं इसको इतना कुछ खास मैंने यूज नहीं किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कॉलेज में कभी मेकअप मैंने किया नहीं था। कॉलेज में मैंने मेकअप किया था 2019 में, मेरे फाइनल ईयर में जब, और वो भी तब मैंने किया था जब मेरी दीदी की शादी हो चुकी थी, उसका लाइक जब उसके पास फाउंडेशन था एक्चुअली में। हालांकि वो बात अलग है, मेरे कॉलेज मेरा गर्ल कॉलेज था, तो लड़कियाँ गर्ल कॉलेज में एज यू सबको पता ही है कि रेडियो के आती हैं, मैं ऐसी टिंच बन के चल जाती थी। टिंच का मतलब मेरा वाला वोट वाला टिंच नहीं है, सड़ियल से बन के जाती थी मैं इतना कुछ खास मेकअप पसंद नहीं करती। फाउंडेशन लगाया था, फाउंडेशन के अंदर भी मैंने क्या किया था, फाउंडेशन के अंदर मैंने मॉइस्चराइजर मिक्स कर लिया था और मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैंने कर लिया था। एंड जब मैंने उसको अप्लाई किया, एक तो उस फाउंडेशन में इतनी पता नहीं वो फाउंडेशन कौन सा था, आई थिंक लैक्मे का फाउंडेशन था, पता नहीं कौन सा फाउंडेशन था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन फाउंडेशन तो वो था। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। फिर फेयरवेल हुई थी तब एंड ऑल, मैं उसको अप्लाई करती थी। तो बीबी क्रीम मैंने यूज नहीं की थी ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉलेज में। एंड सीसी क्रीम तो मैं पिछला वाला जो साल गया है ना उसमें मैंने ये सीसी क्रीम परचेज की थी। सीसी क्रीम तो मैंने परचेज की भी नहीं थी। सो ये बीबी क्रीम है, ये सीसी क्रीम है। बीबी क्रीम के बारे में बता दिया, दो शेड्स आते हैं, ये फलाना ढिमकाना इसके अंदर कुछ बताया हुआ है कि ये है। एंड इसका प्राइस है 67 रुपीज, इसका प्राइस है 67 रुपीज, और ये इसी महीने में एक्सपायर होने वाली है, तो इसलिए मैं ये वीडियो ज़्यादा बनाने वाली हूँ। एंड ये है लैक्मे की 9 to 5 CC कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम इन द शेड इज 0 to 2 हनी, ऑल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिंग SPF 30 PA++। इसमें PA++, हाँ सेम ही था ये है। इसके अंदर एक अच्छी बात ये है कि इसके अंदर 3 शेड्स मिलेंगे आपको अलग अलग, लाइक फेयर के लिए, मीडियम के लिए, डस्की के लिए, तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका जो प्राइस है वो है 110 रुपीज़, और ये भी इसी साल के 12वें महीने में ख़त्म हो जाएगी।
तो मुझे इसे यूज़ करना पड़ेगा भी ना चाहते हुए भी. दोनों में अच्छा मुझे ये लगा कि ठीक है अफोर्डेबल है यार, बट इसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी महंगी है. मतलब ये 100 रुपये से ज़्यादा की है एंड ये सिर्फ 67 रुपये की है. 67 हम साइड बाय साइड लगाएंगे. इस वाले साइड पे मैं ये बीबी क्रीम यूज़ करूँगी, इस वाले साइड पे ये सीसी वाली सीसी क्रीम यूज़ करके देखती हूँ एंड दोनों का टेक्सचर मैच करते हैं कैसा क्या. और अंदर से दिखने में ये वाली कुछ इस तरीके की है, जो बाहर से थी वैसी सेम है, ये अंदर से कुछ इस तरीके की दिखती है. ठीक है, अभी हम इस साइड में ये वाले अप्लाई करते हैं. निकल जा, बेइज्जती मत करा बहन, निकल जा. हाँ निकल गई. एक थोड़ा सा ऊपर लगा लेंगे. मैंने इतना कुछ खास यूज़ भी नहीं किया लेकिन फिर भी बहुत कम है. तो ये इसका शेड, लुक एट दिस. क्या शेड था ये? एलवरी 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 या इल्वोरी जो भी था, ये वाला जो शेड है ये, मतलब वो लाइट वाला जो शेड है ये वो शेड एक्चुअली में. देख लो, दिख रहा है, ये है शेड. ओके एंड इस साइड पे अब हम ये वाली अप्लाई करते हैं. पॉन्ड्स वाली में थोड़ी सी फ्रेग्रेंस तो है इसमें, है इसमें थोड़ी सी ऐसे मेडिकल वाली स्मेल आई. यार ये तो बेइज्जती करा देंगी मेरी. मतलब मैंने बोल दिया कि मैं यूज नहीं करती लेकिन फिर भी आई नहीं रही है. ये एंड ये देखो, दोनों को मैंने सेम क्वांटिटी में अप्लाई किया है. हो गए. तो ये इसका शेड है जो कि कौन सा वाला शेड है, हनी हनी 02 हनी, मतलब कि सेकंड वाला जो शेड है वो है. ये है इसका एक्चुअल में शेड, लुक एट दिस. थोड़ा सा येलोइश येलोइश सा है ये. लैक्मे सीसी क्रीम का शेड है और ये पॉन्ड्स बीबी क्रीम का शेड है. दोनों में कंपैरिजन कर लो शेड्स का. तो इसमें इसमें वाले जो फ्रेग्रेंस है ना वो थोड़ी सी ऐसे लग रही है, अच्छी है, लेकिन इसमें फ्रेग्रेंस ऐसे लग रहा है किसी मेडिसिन को ना ग्राइंड करके इसके अंदर मिलाया है. मतलब अजीब सी स्मेल है इसमें. तो यू कैन सी कि इसका थोड़ा जो शेड है ना वो फेड सा हो गया, मतलब लाइक ऑक्सीडाइज हो गई है ये. तो हम फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड करेंगे. ओ भाई थारो फेस तो बिल्कुल सफेद हो गया. ओके मैंने आई थिंक कुछ ज़्यादा अप्लाई कर लिया, एज अ टीनेजर का बोले तो ज़्यादा है, बट इट्स ओके. मैं फिंगर की हेल्प से मैंने ब्लेंड किया ना, इस वजह से टेक्सचर थोड़ा सा लाइक ज़्यादा हो गई है. ओके नो डाउट दिस इज नॉट माई शेड. देखो कवरेज की, अगर कवरेज देखो कवरेज की बात करूँ तो नो डाउट थोड़ा सा कवरेज तो इसने मुझे दिया है. आई नो दैट रियल स्किन ये है एंड इसको अप्लाई करने के बाद में ये ऐसी दिख रही है. अभी इस सीसी क्रीम को ब्लेंड करते हैं. भाई तो कैमरा में आ रहा है ना. ओके ओ ओ ओ ओ ओम 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 ओ माय गॉड, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने फोरहेड पे अप्लाई किया. ओके आई पे हम अप्लाई कर लेंगे इसको बल्कि बच्चे को. बाय द वे मैं फिंगर के ब्लेंड करूँ इसलिए इतनी ज़्यादा दिख रही है, अदरवाइज ये बहुत कम है. अगर आप इसको फाउंडेशन से ब्लेंड करोगे नहीं बहुत कम है, दिखेगी भी नहीं. फिंगर के मैंने इसलिए ब्लेंड किया बिकॉज सारे के पास में ब्यूटी ब्लेंडर होना लाइक ज़रूरी नहीं है. ये एकदम ताज़ा ताज़ा ब्लेंड करने के बाद में दोनों का टेक्स्चर है और शेड है. ओके तो ये सीसी क्रीम है, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो. ये सीसी क्रीम है एंड ये बीबी क्रीम है एंड ओके. देखो डार्क सर्कल्स तो इससे कवर होने वाले हैं नहीं, तो ये उम्मीद छोड़ देना कि डार्क सर्कल्स कवर हो जाएंगे. एंड अगर मैं बोलूँ दोनों में मुझे इतना कुछ खास लाइक शेड में तो डिफरेंस नहीं दिख रहा, दूर से देखो. तो बात कर लेते हैं इनके टेक्सचर की एंड ब्लेंड कैसे हुआ है या फिर कैसे क्या चीज़ है. तो सबसे पहले तो मुझे सीसी क्रीम के बारे में बात करनी है. सीसी क्रीम ब्लेंड बहुत अच्छे से हुई है, लाइक लुक एट दिस. एंड इसका शेड का भी कोई चक्कर नहीं होगा क्योंकि 3 शेड हैं तो बहुत इजीली मिल जाएंगे आप लोगों को. एंड दूसरा ये ना इसके अंदर फाउंडेशन का टिंट थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बीबी क्रीम. बीबी क्रीम को थोड़ा सा ब्लेंड करना, थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर था ना वो थोड़ा सा क्या बोलूँ इसको, थिक था. इसका थोड़ा लिक्विडी ज़्यादा था, तो सीसी क्रीम का लिक्विडी ज़्यादा था एंड बीबी क्रीम का थोड़ा सा थिक था. तो लेकिन कवरेज इसकी थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा लग रही है. सीसी क्रीम की कवरेज मुझे थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी सी लाइक टिंचुक टिंचुक वाली थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है. वॉट इज दिस टिंचुक टिंचुक. ओके तो फाइनल रिजल्ट
दोनों ही डेली बेसिस के लिए अच्छी हैं, टीनेजर्स के लिए बेस्ट हैं। सबसे अच्छी बात बीबी क्रीम और सीसी क्रीम की मैं एक बता दूं, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपकी स्किन के ऊपर कोई पिंपल्स नहीं होंगे, कोई डार्क स्पॉट्स नहीं होगा, स्किन खराब नहीं होने वाली है। बिकॉज बीबी क्रीम और सीसी क्रीम के अंदर तीन चीज़ें ऐड होती हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा फाउंडेशन का टिंट होता है, मॉइस्चराइज भी करेगी आपकी स्किन को, एंड दूसरा इसको जब आप अप्लाई करते हो ना तो आपको प्राइमर यूज करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली स्किन केयर करो, फेस वॉश किया, टोनर ले लिया, फिर आपने अगर मॉइस्चराइजर लगाना है तो वो लगा लो, उसके बाद में बीबी क्रीम लगा लो, अदरवाइज मॉइस्चराइजर यूज करने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं इन दोनों को सेट करके दिखाती हूँ कि सेट करने के बाद में कैसी लगती है। इन साइड का प्रेस्ड पाउडर यूज करो इन द शेड LNB 15, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है। इसका प्राइस बताऊँ कितना है, ये प्रेस्ड पाउडर है तो मैं इसको ड्रैग कर सकती हूँ। देखो मेरे डार्क सर्कल्स हैं तो थोड़ा अजीब लगेगा ये वाला। अभी पूरा थोड़ा सा टचअप पटअप, अभी थोड़ा सा टचअप करके आती हूँ, फिर देखते हैं कैसा लगता है। हियर इज द फाइनल लुक। बीबी क्रीम अप्लाई की, उसको सेट किया, लिपस्टिक, मस्कारा और थोड़ा सा ब्लश एंड हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद में ये कुछ इस तरीके का लगेगा। एंड नो डाउट दोनों में कोई भी डिफरेंस पता चल ही नहीं रहा है कि मैंने एक साइड बीबी क्रीम यूज़ किया है, एक साइड मैंने सीसी क्रीम यूज़ की है। एट द सेम टाइम मेरी स्किन एक्चुअल में एक नेचुरल स्किन ही लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ अप्लाई किया है। बिकॉज इसके मेरी मेरी स्किन का जो एक्चुअल में जो टेक्स्चर है, अगर मैं थोड़ा सा क्लोज अगर आपको दिखाऊं तो मुझे यहाँ पे बर्थ मार्क्स हैं वो भी दिख रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम मेरी स्किन थोड़ी सी ग्लोई भी लग रही है, ग्लो कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है एज ए टीनेजर अगर आपको टचअप करके जाना है कॉलेज में। सो या दैट्स इट, इतना ही आज की वीडियो के लिए। कंपेरिजन बहुत ज़रूरी था, कंपेरिजन नहीं है मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन था बहुत सारे बच्चों को कि लाइक बच्चों टीनेजर्स को टीनेजर को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि बीबी क्रीम लें या सीसी क्रीम लें, अगर लेना ही है तो दोनों ही ले सकते हो, दोनों ही बहुत सही हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल हैं दोनों के दोनों। एंड शेड में अगर मैं बोलूँ तो सीसी क्रीम थोड़ा ज़्यादा रहेगा सही, बिकॉज उसमें शेड अवेलेबल है, तीन शेड, तीन ही है वैसे तो, बट बीबी क्रीम से थोड़ा सा ठीक ही है। लोगों को बहुत बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना था एंड ऑल द बेस्ट भी बोलना था उन लोगों को जो अपने स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड जो लोग अभी स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर देना अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगे तो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।